भारत के अलग अलग स्थानों में माता के प्रसिद्ध मंदिर स्थित हैं। इन सभी के बारे में आप जानते होंगे और देवभूमि इंडिया भी आप सभी को इस सीरीज में माता रानी की जो भारतवर्ष में प्रसिद्ध मंदिर हैं इन सभी के बारे में जानकारी दे रहा है। दोस्तों आज की वीडियो में हम जान रहे हैं माता रानी के एक ऐसे ही प्रसिद्ध मंदिर के बारे में। यह प्रसिद्ध मंदिर वैष्णो देवी नाम से प्रसिद्ध है। आइए जानते हैं मंदिर से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ इस वीडियो में। दोस्तों देवभूमि इंडिया ने आपको उत्तराखंड के कुछ प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में, जो माता रानी के प्रसिद्ध मंदिर हैं, उन सभी के बारे में भी बताया हुआ है। उस प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको ऊपर देने की कोशिश करूंगा ताकि आप वहां से माता रानी की जो हमारे उत्तराखंड में स्थित मंदिर हैं उनके बारे में भी जान पाएं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रोज की तरह रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल का बटन भी ऑन कर लीजिए, क्योंकि मैं उत्तराखंड की संस्कृति और साथ में भारत के प्रसिद्ध मंदिरों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियाँ आप लोगों तक पहुँचाता रहता हूँ। तो आइए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। आदि शक्ति, जगदम्बा, महामाई, कई ऐसे प्रसिद्ध नामों से माँ को अलग अलग रूपों से, अलग अलग नामों से पुकारा जाता है और माँ के अलग अलग स्वरूपों की पूरे भारतवर्ष में पूजा होती है। दोस्तों वैष्णो देवी मंदिर भारत के जम्मू कश्मीर राज्य के कटरा नगर में स्थित है। यह उत्तरी भारत का सबसे पूजनीय स्थल भी माना जाता है। मंदिर 5200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। कटरा से लगभग 12 किलोमीटर दूरी पर यह प्रसिद्ध मंदिर वैष्णो देवी स्थित है। हर वर्ष लाखों की संख्या में श्रद्धालु मां के दर्शन करने यहां पहुंचते हैं। दोस्तों मान्यताओं के अनुसार जिस स्थान पर मां वैष्णो देवी ने भैरवनाथ का वध किया था वह भवन के नाम से यहां प्रसिद्ध है। यह स्थान देवी महाकाली दाई ओर, महासरस्वती बाई ओर और महालक्ष्मी देवी मध्य पिंड के रूप में गुफा के अंदर विराजमान है। इन तीन पिंडों की समिति के रूप में ही सम्मिलित रूप को ही वैष्णो देवी नाम से यह मंदिर प्रसिद्ध है, या वैष्णो देवी नाम से यह मंदिर जाना जाता है। दोस्तों प्रसिद्ध माँ वैष्णो देवी के मंदिर के निर्माण के लिए कहा जाता है। इतिहासकारों का मानना है इस प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण आज से लगभग 700 साल पहले हुआ था और इस मंदिर का निर्माण पंडित श्रीधर ने करवाया था। पंडित श्रीधर माता के बहुत बड़े भक्त थे और माता ने उन्हें सपने में आकर मंदिर बनाने का सुझाव दिया था। दोस्तों मंदिर के बनने के पीछे कुछ पौराणिक कथाएं प्रचलित है, जिनमें से माना जाता है कि माता वैष्णो देवी ने त्रेता युग में माता पार्वती, माता सरस्वती और माता लक्ष्मी के रूप में मानव जाति के कल्याण के लिए एक सुंदर कन्या के रूप में जन्म लिया और त्रिकुट पर्वत की गुफाओं में तपस्या की। जब समय आया उनका शरीर तीन दिव्य ऊर्जाओं के सूक्ष्म रूप में विलीन हो गया, जिसमें महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के रूप में पिंडों के रूप में माँ विद्यमान हुई। तथा दूसरी कथा यह प्रचलित है कि माँ ने त्रिकुट पर्वत पर जन्म लिया। माता ने एक सुंदर कन्या के रूप में जन्म लेने के बाद भैरवनाथ उनको पकड़ने के लिए दौड़े, तब वह कन्या वायु रूप बदलकर त्रिकुट पर्वत की ओर उड़ चली और भैरवनाथ भी उनके पीछे पीछे चल दिए। माँ की रक्षा के लिए वहाँ पवन पुत्र हनुमान पहुँचे और हनुमान जी को प्यास लगने पर माँ ने पर्वत पर बाण चलाकर जलधारा प्रवाहित की, जिससे बाद में माँ ने अपने केश भी धोए। फिर माँ गुफा में 9 महीने की तपस्या माँ ने उस गुफा में की और हनुमान जी ने गुफा के बाहर पहरा दिया। भैरवनाथ वहां पहुंचने के बाद माँ दूसरे गुफा के दूसरे दरवाजे से बाहर निकल गई और वह गुफा आज भी अर्धकुमारी या आदि कुमारी या गर्भजून के नाम से प्रसिद्ध है। अर्धकुमारी से पहले माता के चरण पादुका भी है। यह वह स्थान है जहां माता ने भागते भागते मुंडक भैरवनाथ को देखा था। में बाहर निकलकर, गुफा से बाहर निकलकर देवी ने कन्या रूप धारण किया और भैरवनाथ को वापस जाने को कहा, लेकिन भैरवनाथ नहीं माने तो हनुमान जी ने उन्हें युद्ध के लिए ललकारा। भैरवनाथ और हनुमान जी के बीच युद्ध का कोई अंत नहीं देखकर माता वैष्णो ने महाकाली के रूप में भैरवनाथ का वध किया। दोस्तों यह कथा भी बहुत प्रचलित है, यह भी आपने जरूर सुनी होगी। दोस्तों पौराणिक कथाएं चाहे जो भी कहती हो, लेकिन माँ का यह प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर लोगों की अपार आस्था का बहुत बड़ा केंद्र माना जाता है और लाखों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु पहुँचते हैं। माँ यहाँ 3 रूप में विद्यमान है, माँ सरस्वती,
महालक्ष्मी और महागौरी, इन तीन रूपों में माँ पिंड के रूप में इस प्रसिद्ध मंदिर में विद्यमान है। आप भी जरूर दर्शन करने पहुँचेंगे वैष्णो देवी के इस प्रसिद्ध मंदिर में, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आपको वीडियो में कुछ नया जानने को मिला है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जुड़े रहे देवभूमि इंडिया के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में माता रानी के भारत में स्थित किसी और प्रसिद्ध मंदिर की जानकारी के साथ। जय हिंद।